नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कोर्ट क्या चाहता है आखिर पति पत्नी से, सबसे पहले ये समझें। चाहे वो फैमिली कोर्ट से लेकर आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आखिर आपसे अपेक्षा क्या रखता है पति या पत्नी रहते हुए, आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कोर्ट का जो बेसिक स्पाइन है फैमिली मैटर्स के अंदर या जो आत्मा है उसकी, वो ये है कि फैमिली बचनी चाहिए, रिकंसिलेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए और आप एक साथ रहने चाहिए। इस नियम की बाध्यता को अगर कोई भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी तोड़ना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, तो फिर ये एक गलत इंटेंशन मानी जाएगी और उस आदमी या औरत को पनिश करता है कोर्ट, और दाम्पत्य जीवन के सभी अधिकारों और हक से उसे मुक्त करते हुए उसे जो भी अपनी पत्नी या पति से फ़ायदा या जो भी एडवांटेजेस मिल सकते थे वो पूरे के पूरे ख़त्म कर दिए जाते हैं। यहाँ सवाल कुछ इस तरह से भी उठता है कि अब अगर यहाँ पे इनमें से दोनों में से कोई भी इसकी अवहेलना कर रहा है, दाम्पत्य जीवन की अवहेलना कर रहा है, तो उसे अलग किया जाए। यहाँ आज का वीडियो इसी कंटेंट पे है, यानी कि अगर पत्नी इस दाम्पत्य जीवन का तिरस्कार करती है यानी पति को छोड़कर बैठ जाती है, तो बेनिफिट क्या होता है, किस तरह से बिना मेंटेनेंस के आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं एजुकेटेड होइए, इसके लिए हम कोर्सेज भी चलाते हैं और इन कोर्सेज का बहुत फ़ायदा हो रहा है बेहतरीन तरीके से। मेरे जितने भी लोग अभी इस वक्त इसको ज्वाइन किए हुए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, कई लोगों ने अपने केसेस सॉर्ट आउट कर लिए हैं और जो लोग अभी ज्वाइन ही किए हैं उन लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है कि अब उन्हें किसी बात का कम से कम डर नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी जीत तो निश्चित ही है और बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम और बहुत कम पैसे में आप इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू। और लोग भी हिस्सा हैं, आप भी हो सकते हैं। अगर आप इस वक्त वीडियो देखते वक्त ये चाहते हैं कि कोई कानूनी सलाह आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ अपॉइंटमेंट बुक कराइए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के, मैसेज के थ्रू ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, फिर बात हो पाएगी। दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए पत्नी है वो अक्सर पति को छोड़ना धर्म मानती है। जब संविधान में IPC CRPC वगैरह ये सब लागू किए जा रहे थे, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया जा रहा था, तो सामाजिक परिपेक्ष को भी पूरा ध्यान में रखा गया था। हालात जैसे आज हैं वैसे उस वक्त भी हुआ करते थे। उस वक्त भी नाराज़ बीवियां, और अक्सर ये चलन बीवियों में, पति नाराज़ होकर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा घर के बाहर जाता है, टहल फिर कर वापस आ जाता है, पत्नियों में प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है कि पति को छोड़ो, अपने पीहर जाके बैठ जाओ, परेशान होता रहेगा, थकता रहेगा, समाज में बदनामी होगी, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, मानसिक तरीके से प्रताड़ित होगा। ये एक प्रताड़ना है, ये एक बहुत ज़्यादा क्रूर मानसिकता है और ये एक तरीके से बाध्यता है कि रिश्ता निभाने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा, आप दोनों को साथ रहकर ही अपने मसले सुलझाने भी पड़ेंगे, उलझाने भी पड़ेंगे, फिर सुलझाने पड़ेंगे। ये झगड़े तो लाजमी हैं रिश्तों के अंदर, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ झगड़ा नहीं हो, माँ के साथ नहीं हो, बाप के साथ नहीं हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई बहनों के साथ नहीं हुआ हो, पड़ोसी के साथ ना हो, दोस्तों के साथ ना हो, वहाँ सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए मज़े की बात, बाकी सारे रिश्तों में कोई तलाक का ऑप्शन नहीं है, ना तो पत्नी पति से के अलावा किसी और रिश्ते में तलाक ले सकती, पिता से झगड़ा हो गया कोई तलाक नहीं ले सकती, बातचीत बंद कर सकती है, उसके कोई भी बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेंगे अगर रिश्ता भी खत्म करना चाहती है, तो भाई से बहन से किसी से भी रिश्ता खत्म करना चाहती है तो उसको कोई तलाक जैसी उपलब्धि नहीं मिलेगी। मगर यहाँ पर है, अब इसमें हिडन एजेंडा होता है, पत्नियाँ ये सोचती हैं जब तक पति मना ले तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम केस कर देंगे। अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि कई बार इस अवधि को पत्नियां बड़ा लंबा खींच जाती हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, और अगर ये अवधि लंबी खींच गई है तो वो किसी भी तरह से दाम्पत्य जीवन की अधिकारिणी नहीं रही। पति को त्यागना, पति को छोड़ देना, अपने आप में दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन नहीं करना और उसका जो पूरी तरह से सेपरेशन हो जाना, ये दर्शाता है कि वह योग्यता खो चुकी है। और उसी योग्यता के खो देने की वजह से अगर पत्नी 2 साल तक पति को छोड़ के बैठी है, पति ला रहा है, मना रहा है, समझा रहा है, आ नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है। बिल्कुल सेक्शन 13A में ये ऑप्शन है आपके पास, आप बकायदा इसको डिसेशन के रूप में जानते हैं। डिसेशन का मतलब ही ये होता है परित्याग। अब इसके अंदर तो ये प्रोविज़न है ही, साथ में 125 CRPC जो कि एग्जीक्यूशन के काम आता है मेंटेनेंस के, यानी मेंटेनेंस लेने के लिए आपको चाहे DVA में मिला हो, किसी भी केस में मिला हो, पर इसका एग्जीक्यूशन 125 CRPC पे ही लागू होता है, यानी सभी मेंटेनेंस के केसेस में 125 CRPC के नियम लागू होंगे,
चाहे आप एच एम ए 24 में मांगे और चाहे आप डीवी में मांगे, ये नियम उस पर दोनों पे बाध्यकारी हैं। मुद्दा समझिए, मुद्दा 125 सीआरपीसी में यह है कि पत्नी जो है अपने पति को स्पेशली उल्लेख किया गया है, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, यानी बिना किसी कारण के, कोई लॉजिकल रीजन नहीं दे पाती है जिसके अंदर कोई स्टेबिलिटी या कोई सही चीज स्टैब्लिश हो पाए कि ऐसा कुछ हुआ था पत्नी के साथ, तो ऐसी सूरत में अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो उस सूरत में उसको बकायदा मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा जब पति को 2 साल से ज़्यादा वो छोड़कर बैठ गई है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के। जैसे यूँ छोड़ के बैठी है, बस हमारी मर्जी है साहब, आपकी छोटी सी बात पे नाराज़ हो गए कि आपने कल हमसे कैसे कह दिया कि सब्जी में नमक कम था या रोटी जल गई, या फिर ऐसी बातों पे झगड़े हुए हैं और लिटरली लोग जो हैं भुगते हैं ये सब चीज़ें, और औरतें इस तरह से छोड़कर भुगता के गई हैं बहुत छोटी छोटी बातों पर, आपकी माता जी ने ऐसे क्यों कह दिया, आपके पिताजी ने मेरी तरफ ऐसे क्यों देख लिया, छोटी छोटी बातों पर, और बकायदा 2-2 साल 4-4 साल छोड़ के बैठी। अब देखिए, इसमें कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने तो इस नियम को समझा और बकायदा अपना तलाक देके पिंड छुड़ाया। कुछ लोग थे जो सोचे यार आ जाएगी और हमारे पास रास्ता भी क्या है, 4-5 साल बाद पत्नी को खुमारी आई, चलो हम मेंटेनेंस भी ले लेते हैं, चलो हम अपने पति पे 490 डे भी लगा देते हैं, और वो लड़ रहे हैं केस, 4-5 साल तो यूँ बर्बाद हो गए। अभी भी अगर आप पे इस तरह का केस लगा हुआ है और 4-5 साल आपकी बीवी दूर रह गई है और उसके बाद भी आपको मिसगाइड किया गया है कि 490 डे लग गया केस लड़ो, नहीं लग सकता 490 डे 3 साल बाद, डीवी लग गया केस लड़ो, नहीं लग सकता 1 साल से ज़्यादा अगर पत्नी दूर रह गई है, तो अगर आप पे सब केसेस लगे हुए हैं तो पहली बात तो इन्हें सबको ऐश करा लीजिए। और इस आधार पर, क्योंकि ज़्यादातर पत्नियाँ ऐसे केसेस में मान भी लेती हैं कि साहब अपनी पिटीशन में लिख देती हैं इतने टाइम से हम अलग रह रहे हैं, दोष आप पे डाला जाता है पर साबित नहीं कर पाती है, तो उस आधार पर आप जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर डाइवोर्स फास्ट भी मिलता है क्योंकि डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में एच एम ए 21B के अंडर आता है। हिंदू मैरिज एक्ट का जो 21B है वो कहता है कि कोई भी, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है उसके अनुसार अगर आप 21B का को लागू करवाते हैं तो उसके हिसाब से सभी एच एम ए के जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे 6 महीने के अंदर अंदर हर कोर्ट की जिम्मेदारी है डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा, उस पर निर्णय देकर उसे खत्म करना पड़ेगा, यानी आपको डिग्री मिल जाएगी तलाक की। आपको सिर्फ कोर्ट को ये बताना है कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा मेरी बीवी जो है मुझे छोड़कर बैठी रही, तो ना को वो मेंटेनेंस की हकदार है और ना ही वो किसी तरह से मुझसे अब कोई और पत्नी होने के नाते, इवन मैं बता दूं आपको एलिमनी भी नहीं लेगी पत्नी, फिर आपसे एलिमनी भी नहीं ले सकती। मेंटेनेंस का मतलब ही फाइनल मेंटेनेंस है और फाइनल मेंटेनेंस जो है वो एक तरीके से एलिमनी ही होती है, यानी कि पूरा संपूर्ण एक आपने एकमुश्त राशि दे दी, तो अब आपसे वो कुछ नहीं ले सकती क्योंकि उसने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने में आप पे, देखिए मैंने जैसा शुरू में बताया कि दोनों पे बाध्यकारी है, कैसी भी परिस्थितियां हो आपको एक घर में एक दूसरे के साथ कैसे भी सामंजस्य बैठाकर चलना पड़ेगा। अगर आप में से कोई भी स्पाउस एक दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगते हैं तो उस सूरत में आप पति या पत्नी कहलाने लायक नहीं है, आपने वो अधिकार स्वयं खोया है, आपने अपना अधिकार स्वयं त्यागा है, तो इसके लिए वो स्पाउस या वो पति या पत्नी जिम्मेदार नहीं है जो भुगत रहे हैं, उन पर तो क्रूरता हुई है। मुद्दे की बात यह है कि ये जजमेंट इसी पर आधारित था, पत्नी साहिबा ने यही किया, लोअर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, हाई कोर्ट पे गए कई चीज़ों में वो भी कंफ्यूज रहे, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाकर पति को राहत मिली और दोनों चीज़ों में, क्योंकि डाइवोर्स तो मिल ही रहा था पर ज़रूरी ये था कि बिना मेंटेनेंस पति को निकलना था। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए, अगर आप लोगों के केसेस में इस तरह की परिस्थितियाँ हैं कि पत्नी ने कोई केस नहीं डाला और 2 साल से ज़्यादा वो आपसे दूर बैठी है, तो या तो आप अभी केस डाल दीजिए और अपना डाइवोर्स ले लीजिए, आपके तरफ से डाले हुए केस यानी डाइवोर्स के केस पे अगर आगे से 490 डे डीवी भी आता है तो वो नहीं डाल सकती आप पे, ये बाध्यकारी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप केस में हैं शामिल, आप ऑलरेडी 4-5 साल पत्नी आपसे दूर रह ली या 2 साल से ज़्यादा भी आपसे दूर रह ली और उसके बाद उसने आप पे कोई केस डाला है, तो उससे उन्हें सबको क्वैश कराइए इस आधार पर कि वो सबूत तो दे कि 2-3 साल तो मेरे साथ रह नहीं रही और फिर कह रही कि डीवी 498 हुआ उसके साथ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप इस पहलू को डाल सकते हैं कि अब आपको डाइवोर्स दिया जाए क्योंकि वो 2 साल से ज़्यादा का तो एक्सेप्टेंस खुद ही दे रही है, और अच्छी बात यह है कि बाकी सारे केसेस नहीं डालने के लिए अब तो कोर्ट कारण मांगने लग गया कि आप 2-3 साल बाद केस क्यों करती हैं अपने पति को छोड़ के, जिस दिन की घटना बता रही जिस वक्त की घटना बता रही उस दिन बताती आप, ये डिले टैक्टिस का मतलब तो ये आपने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की विद प्लानिंग। दोस्तों इस जजमेंट को मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसको मैंने डिटेल में इसलिए नहीं समझाया, कहानी लगभग इसी के आसपास है, नियम को इसलिए समझाया है क्योंकि आप में से कई लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है और कई लोगों को मैंने कई अलग अलग जगह पर प्लेटफॉर्म्स पर ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर पत्नी रह चुकी है तो केस नहीं लड़ना है आपको, आपसे अलग रह चुकी है बिना किसी कारण, तो आपको उस केस को खारिज ना केवल कराना है, आपको डाइवोर्स विदाउट मेंटेनेंस निकलना है वहाँ से। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता के जाइए कि आप इस वीडियो से क्या इनपुट लेने वाले हैं। दोस्त थैंक यू।